हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं आम पापड़ की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आम पापड़ घर पर बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं और आप इसको बना सकते हैं मिनटों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन टोटली फ्री। सबसे पहले एक पैन लेंगे हम और इसमें डालेंगे 2 पके आम की प्यूरी। मैंने यहाँ पर अच्छा जो मीठा वाला आम होता है उसको पल्प निकाल कर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और ऐसा हमें एक पल्प मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पल्प में शुगर डाल के, शक्कर डाल के और उसके साथ ही पी सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ पर जब हम इसको पकाएंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे जब ही मैं इसके साथ शुगर डालूंगी। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 पके आम यानी मीठे आम की प्यूरी ली है। अगर आप इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप एक कच्चा कैरी भी ले सकते हैं या फिर एक नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से खट्टा हो जाएगा। अब आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है कम से कम 10 मिनट के लिए, और जब तक हमारी जो प्यूरी है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी। तो इसको लगातार चलाते रहें। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो शक्कर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, घुल गई है, और जो हमारा पल्प है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है और बहुत ही गाढ़ी हो गई है हमारी प्यूरी। तो हम इसको अब बिल्कुल ऑफ कर देंगे फ्लेम, और जो हमारी प्लेट्स हैं उनको ग्रीस कर लेंगे घी से। और आप अपनी मनचाहे आकार में, अपने मनचाहे मोटा या पतले उस हिसाब से पापड़ बना सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा सा थिक बना रही हूँ यानी थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम डालेंगे, स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे, और इसको हम धूप में सुखाएंगे 2 दिन के लिए। अगर आप धूप में नहीं सुखा सकते या आपके यहाँ धूप नहीं आ रही तो आप इसको फैन के नीचे, पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, बस 2 से 3 दिन लगेंगे और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें एक बार। ये देखिए 2 दिन हो चुके हैं और हमारे आम पापड़ धूप में अच्छे से सूख गए हैं। देखिए हमारे आम पापड़ अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, और अब इसको हम जो साइड से उसको नाइफ से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें लगाया था घी, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और मार्केट के जो आम पापड़ मिलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि हमने इसको अपने घर पर ही बनाया है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही यमी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपीज़ वो बहुत ही इजी मेथड से अपने घर पर ही ट्राई करें। ये देखिए अब इसको हमने स्ट्रिप्स में काट लिया है पतले पतले, और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और हमारी पापड़ की स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी। ऐसे ही सारी हम निकाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, मुँह में पानी आ रहा है ये देखिए, और हमने इसको भी निकाल लिया है। बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाले हमारे आम पापड़, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे आम पापड़ बनकर रेडी हुए हैं, तो आप लोग भी इन गर्मियों में जरूर बनाकर देखें। अगर आज का ये वीडियो, ये रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए आपसे वालों को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।